Hello friends, once again Vijay here from Jagaram teaching English at Government Senior Secondary Smart School Galib Kalan. Once again I welcome you all to my YouTube channel ED Classes. In today's session we will discuss about changing voice from active to passive of present continuous tense. Active voice ate passive voice de structure bare अते प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस बारे असी इस तो पहलियां वीडियोज़ विच गल कर चुके हैं। जेकर तुसी उन्हां वीडियोज़ नूं नहीं देखिया है या किसी कारण मिस कर दिता है तो उपर आई बटन ते क्लिक करके वेख सकदे हो। इन्हां वीडियोज़ दा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन विच भी दे देवांगा। तो आओ शुरू करते हैं। Present continuous tense. There are three forms of sentences. इन्हां दी आपां गल पहला भी कर चुके हैं, एक बार दोहराई कर लेने हैं। Number one, affirmative sentences. Affirmative sentences, साधारण वाक। Number two, negative sentences, मतलब नावाचक वाक। And last, number three, interrogative sentences, प्रश्नवाचक वाक। इन तिन्ने forms of sentences दे present continuous tense असी एक्टिव तो पैसिव करने सीखांगे। सब तो पहला स्ट्रक्चर्स ऑफ अफर्मेटिव सेंटेंसेस। एक्टिव वॉइस दे विच प्रेजेंट कंटीन्यूअस दा की स्ट्रक्चर हुंदा है, वो हुंदा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी एंड लास्ट विच ऑब्जेक्ट। पैसिव वॉइस दा की स्ट्रक्चर है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस बींग प्लस थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस बाय एंड लास्ट विच सब्जेक्ट। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंसेस नूं असी एग्जाम्पल्स नाल समझन की कोशिश करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस अफर्मेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉइस फर्स्ट सेंटेंस है राम इज डिलीवरिंग अ स्पीच। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है वो है राम, वर्ब डिलीवर एंड ऑब्जेक्ट है अ स्पीच। इस सेंटेंस विच भी असी एक्टिव तो पैसिव विच जाण लई सेम फॉर्मूला अप्लाई करांगे, भाव कि सब्जेक्ट नूं ऑब्जेक्ट वाली थां ते लिखांगे, ऑब्जेक्ट नूं सब्जेक्ट वाली थां ते लिखांगे, वर्ब दी असी थर्ड फॉर्म यूज करनी है। हुण जो सानूं वर्ब दी फॉर्म दित्ती गई है उस दे नाल आई एन जी लग्या होया है, तां जदों तक आई एन जी इस वर्ब दे नाल रहेगा असी इस नूं कन्वर्ट नहीं कर सकते। तां सानूं जरूरी हो जाता है कि असी वर्ब तों आई एन जी नूं वक्खरा कर दईए, पर इस नूं असी छड्ड भी नहीं सकते। तां वर्ब नूं जदों असी वक्खरा कर लवांगे तां वर्ब नूं तां असी तीजी फॉर्म दे विच कन्वर्ट कर देवांगे, पर आई एन जी दा की करांगे? आई एन जी दे नाल असी बी ई लगा के इहनूं बींग दे विच कन्वर्ट कर लवांगे। पैसिव फॉर्म दे विच किस तरह इस सेंटेंस नूं लिखदे हां आओ देखदे हां। पैसिव वॉइस अ स्पीच इज बींग डिलीवर्ड बाय राम। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा ऑब्जेक्ट सी अ स्पीच उस नूं सब्जेक्ट वाली थां ते लिख लिया, उस तों बाद जो साडा सब्जेक्ट सी राम उस नूं ऑब्जेक्ट वाली थां ते बाय राम लगा के लिख लिया। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म सी डिलीवर जिहड़े कि आई एन जी दे नाल लगी हुई सी, उस नूं आई एन जी तो वक्खरा कर लिया अते उस दी थर्ड फॉर्म डिलीवर्ड लगा दित्ती गई। आई एन जी दे नाल बी ई यूज़ करके बींग लगा लिया। हुण क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट विच है ते सानूं प्रेजेंट विच तीन तरह दे हैल्पिंग वर्ब यूज़ करन नूं मिलदे ने, ओ ने इज एम अते आर। हुण क्योंकि ए स्पीच सिंगुलर है इस करके इत्थे असी इज दा इस्तेमाल कीता है, तां सेंटेंस बन गया अ स्पीच इज बींग डिलीवर्ड बाय राम। इस गल दा ध्यान रखना है कि बींग हमेशा वर्ब दी फॉर्म तो पहला आएगा। एक होर एग्जाम्पल लैने हैं। नंबर टू, द चिल्ड्रन आर प्लकिंग फ्लावर्स। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है वो है द चिल्ड्रन,
वर्ब है प्लक एंड ऑब्जेक्ट है फ्लावर्स। जिस तरह से पहला कीता सेम उस तरीके नाल सब्जेक्ट जो साडा द चिल्ड्रन है वो लास्ट विच, ऑब्जेक्ट फ्लावर्स ए स्टार्टिंग दे विच, प्लकिंग दे विचों प्लक जो वर्ब दी फॉर्म है उसनू आई एन जी तो वक्रा करांगे तां ए वक्री होके वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लक्ड बन जाएगी। आई एन जी दे नाल बी ई यूज करके बींग बनावांगे तां सेंटेंस की बनेगा पैसिव दे विच, फ्लावर्स आर बींग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। हुण इस सेंटेंस विच जो साडा ऑब्जेक्ट सी फ्लावर्स वो सब्जेक्ट वाली थान पर आ गया, अगे जो साडा सब्जेक्ट सी द चिल्ड्रन वो बिल्कुल लास्ट विच चला गया। प्लकिंग दे विचों प्लक वर्ब की फस्ट फॉर्म सी उसनू अलग करके ते उस तो थर्ड फॉर्म बना के प्लक्ड लिख लिया, आई एन जी दे नाल बींग लगा लिया। तो क्योंकि फ्लावर्स ज़्यादा होंदे ने प्लूरल है इस करके इज एम आर दे विचों असी फ्लावर्स दे नाल आर दा इस्तेमाल किया है तो साडा सेंटेंस बन गया फ्लावर्स आर बींग प्लक्ड बाय द चिल्ड्रन। एक और एग्जाम्पल लेने हैं। नंबर 3, ही इज बिल्डिंग अ न्यू हाउस। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है ही, वर्ब है बिल्ड एंड ऑब्जेक्ट है अ न्यू हाउस। पहला वांग सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वाली थान ते, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट वाली थान ते, वर्ब थर्ड फॉर्म अते आई एन जी नू बी ई नाल जोड़ के बींग लगा के ते हेल्पिंग वर्ब इज एम आर दे विच्चों जिहड़ा भी रिक्वायर्ड होवे उन्हों चुन के लगाना है। पैसिव सेंटेंस साडा की बनेगा, अ न्यू हाउस इज बींग बिल्ट बाय हिम। हुण ए न्यू हाउस साडा ऑब्जेक्ट सी, इसनों सब्जेक्ट वाली थान ते लिख लिया। ही जिस तरह से पहला भी गल कर चुके हैं जदों अपनी पोजिशन नू चेंज करता है तो ही तो हिम दे विच कन्वर्ट हो जाता है तो साडा जिहड़ा सब्जेक्ट ही सी वो बिल्कुल लास्ट विच ऑब्जेक्ट बन के चला गया हिम। इत्थे वर्ब बिल्डिंग सी, बिल्ड दे नाल आई एन जी लग्या होया सी, बिल्ड नू अड करके असी उसकी थर्ड फॉर्म बिल्ट बना लिया अते आई एन जी नू बी लगा के बींग बना लिया। क्योंकि ए न्यू हाउस सिंगुलर है इस करके इसका इस्तेमाल करके असी सेंटेंस नू पूरा कर लिया तो साडा सेंटेंस बन गया अ न्यू हाउस इज बींग बिल्ट बाय हिम। ये सन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दे अफर्मेटिव सेंटेंसेस दियां कुछ एक एग्जाम्पल्स। हुण असी अगे चलते हुए देखते हाँ कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दे विच नैगेटिव सेंटेंस दे स्ट्रक्चर्स की होंगे। तो जदों असी नैगेटिव सेंटेंसेस की गल करते हाँ तो एक्टिव वॉयस दे विच उसका स्ट्रक्चर होंदा है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब दी फस्ट फॉर्म दे नाल आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट। तो जदों इसनों असी पैसिव विच कन्वर्ट कर देंगे हाँ तो पैसिव विच जाके इसका स्ट्रक्चर बन जाता है ऑब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस बींग प्लस वर्ब दी थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। एग्जाम्पल्स दे नाल समझन की कोशिश करते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस एग्जाम्पल्स। एक्टिव वॉयस फर्स्ट सेंटेंस है अमन इज नॉट ड्राइविंग हिज कार। हुण इस सेंटेंस दे विच जो साडा सब्जेक्ट है वो है अमन, वर्ब ड्राइव एंड ऑब्जेक्ट है हिज कार। अते जदों असी इसनों पैसिव वॉयस विच कन्वर्ट करांगे तां जो साडा ऑब्जेक्ट है हिज कार इसनों अगे रखा जाएगा, जो साडा सब्जेक्ट है अमन वो बिल्कुल लास्ट विच जाएगा। ड्राइव क्योंकि वर्ब दी फस्ट फॉर्म है इसनों असी थर्ड फॉर्म दे विच कन्वर्ट करांगे ड्रिवन, जो ड्राइव दे नाल आई एन जी लग्या है उन्हों पहला वांग बी ई लगा के बींग बना लवेंगे। नॉट नू एज इट इज़ नाल लगा के चलांगे अते इज एम आर दे विच्चों जो भी रिक्वायर्ड होवे जिद्दां दी भी जरूरत होवे असी उसका इस्तेमाल करांगे। पैसिव दे विच की बनेगा इह आओ देखिए।
सेंटेंस बन जाएगा हिज कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय अमन। हुण इत्थे इस गल दा ध्यान रखांगे कि वर्ब दी थर्ड फॉर्म तो पहला बीइंग अते जेकर नैगेटिव है तो बीइंग तो पहला नॉट दा इस्तेमाल होएगा, बाकी सारियां कंडीशंस एज इट इज सेम रहेंगी। तो साडा सेंटेंस बन जाता है हिज कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय अमन। हिज कार सब्जेक्ट वाली थां ते आ गया, अमन एज इट इज क्योंकि नाउन है, नाम है किसी परसन का, ये पिछे चला गया अते इस विच किसी तरह की कोई चेंज नहीं हुई। ड्राइव द थर्ड फॉर्म ड्रिवन, उस तो पहला आई एन जी नू बी ई दे नाल लगा के बींग लगा लिया, नॉट क्योंकि नैगेटिव सेंटेंस है एज इट इज उस तो पहला लग गया रहा, क्योंकि हिज कार सिंगुलर है इस करके इतने असी इसका इस्तेमाल किया, तो साडा सेंटेंस बन गया हिज कार इज नॉट बीइंग ड्रिवन बाय अमन। एक और एग्जाम्पल लेने, नंबर टू, राहुल इज नॉट ईटिंग एप्पल्स। इस सेंटेंस दे विच सब्जेक्ट है राहुल, वर्ब है ईट एंड ऑब्जेक्ट है एप्पल्स। हम सेम उसे तरीके नाल एप्पल्स साडा ऑब्जेक्ट है, इस सब्जेक्ट वाली खाते जाएगा, सब्जेक्ट साडा राहुल है वो ऑब्जेक्ट वाली थां ते जाएगा बिल्कुल पिछे। वर्ब दी फर्स्ट फॉर्म ईट, इसनों असी थर्ड फॉर्म विच कन्वर्ट करांगे ईटन, आई एन जी नू बीइंग, नॉट नू एज इट इज उस तो पहला लगा लवांगे, ते एप्पल्स क्योंकि प्लूरल हन तां उहदे नाल इज एम आर दे विचों आर दा इस्तेमाल करांगे, तां साडा जो पैसिव दे विच सेंटेंस बनेगा वो बन जाएगा एप्पल्स आर नॉट बीइंग ईटन बाय राहुल। एक और एग्जांपल लेने हैं, नंबर थ्री, ही इज नॉट कॉलिंग मी। हुण इस सेंटेंस विच जो साडा सब्जेक्ट है वो है ही, वर्ब कॉल एंड ऑब्जेक्ट है मी। हुण इस सेंटेंस विच ही जिहड़ा साडा सब्जेक्ट है अते मी जिहड़ा साडा ऑब्जेक्ट है दोनों ही प्रोनाउंस ने। इस तो पहलां दी वीडियो विच असी ये गल कर चुके हैं कि प्रोनाउन ही जदों अपनी पोजिशन चेंज करता है तां हिम दे विच कन्वर्ट हो जाता है, प्रोनाउन मी जदों अपनी पोजिशन चेंज करता है तां आई दे विच कन्वर्ट हो जाता है। तां सेंटेंस नूं पैसिव विच कन्वर्ट करन वेले असी इन्हां गल्लां दा खास ध्यान रखांगे। उस तो बिना कॉल साडी वर्ब दी फस्ट फॉर्म है जिहदे नाल आई एन जी लग्या होया है, आई एन जी नूं कॉल दे नालों हटा के उहनूं बीइंग दे विच कन्वर्ट करांगे, ते कॉल दी थर्ड फॉर्म कॉल्ड लिखांगे, ते जो भी इज एम आर दे विचों रिक्वायर्ड होएगा उहनूं नाल लगा के चलांगे अते नॉट दा इस्तेमाल उसे तरह ही करांगे। तां साडा पैसिव विच की सेंटेंस बनेगा वो देख लैंदे आ। पैसिव दे विच सेंटेंस बनेगा I am not being called by him. Object me सी वो subject वाली थां ते I बन गया, he साडा subject सी वो object वाली थां ते him दे विच कन्वर्ट हो गया। Call दी third form यूज की थी called, जो basic चीज़ां सी। इस तो बिना I दे नाल is या are दा इस्तेमाल नहीं करदे तां असी इत्थे M लगाया, not नूं उसे तरह लगा के आई एन जी नूं एडजस्ट करने लई असी उहदे नाल बी ई यूज कर लिया बीइंग बनाते, तो सेंटेंस बन गया आई एम नॉट बीइंग कॉल्ड बाय हिम। ये सन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दियां नेगेटिव सेंटेंसेस दियां कुछ एग्जांपल्स। इस तो अगे असी प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस ते इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दी गल करांगे। तो सब तो पहला इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दे स्ट्रक्चर दी गल करिए कि देखिए कि एक्टिव अते पैसिव वॉइस सेंटेंसेस दे विच इन्हां दा स्ट्रक्चर की हुंदा है। सब तो पहला एक्टिव वॉइस प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस दे विच एक्टिव वॉइस दा जो स्ट्रक्चर है वो है इज एम या आर प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस आई एन जी
ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਟਰਕਚਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਜ਼ ਐਮ ਆਰ ਪਲੱਸ ਆਬਜੈਕਟ ਪਲੱਸ ਬੀਂਗ ਪਲੱਸ ਥਰਡ ਫਾਰਮ ਆਫ ਵਰਬ ਪਲੱਸ ਬਾਏ ਐਂਡ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਸਬਜੈਕਟ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕੰਟੀਨਿਊਸ ਟੈਂਸ, ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ, ਫਸਟ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੈ ਆਰ ਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਅ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਦੇ, ਵਰਬ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਆਬਜੈਕਟ ਹੈ ਅ ਬੁੱਕ। ਤਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਪੈਸਿਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਅਤੇ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਵਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਲੇਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੈਂਟੈਂਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਇੰਟਰੋਗੇਟਿਵ ਸੈਂਟੈਂਸ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਟੈਂਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਜ਼, ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਵਰਡ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਜ਼ ਲੱਗੇਗਾ, ਐਮ ਲੱਗੇਗਾ ਜਾਂ ਆਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਇਹ ਕੌਣ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ? ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੇਗਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੋਏਗਾ ਜੋ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੁੱਕ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੱਗੇ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬੁੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਆਰ ਜਾਂ ਐਮ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਇਜ਼ ਯੂਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਬਾਕੀ ਰੂਲਸ ਸਾਰੇ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਰਹਿਣਗੇ। ਪੈਸਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸਟਰਕਚਰ ਬਣੇਗਾ ਆਓ ਦੇਖੀਏ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਇਜ਼ ਆ ਬੁੱਕ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸੈਂਟੈਂਸ ਸੀ ਸਾਡਾ ਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਲਪਿੰਗ ਵਰਬ ਇਜ਼ ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਹੀ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਓਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਏ ਬੁੱਕ। ਹੁਣ ਏ ਬੁੱਕ ਸਿੰਗੂਲਰ ਹੈ, ਸਿੰਗੂਲਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਆ ਬੁੱਕ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਵਰਬ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਲਗਾਉਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਵਰਬ ਦੀ ਫਸਟ ਫੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਨੂੰ ਵਰਬ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਬੀਂਗ ਬਣਾ ਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਵਰਬ ਹੁਣ ਫਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਥਰਡ ਫੋਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਲਿਆ ਰਿਟਰਨ। ਬਾਏ ਲਗਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਪਲੇਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਓਬਜੈਕਟ ਵਾਲੀ ਥਾਂ 'ਤੇ, ਦੇ ਤੋਂ ਦੈਮ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਨਾਊਨ ਆਪਣੀ ਪਲੇਸ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਸੈਂਟੈਂਸ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਜ਼ ਆ ਬੁੱਕ ਬੀਇੰਗ ਰਿਟਨ ਬਾਏ ਦੈਮ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਨੰਬਰ 2, ਇਜ਼ ਹੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਸੈਂਟੈਂਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ ਹੀ, ਵਰਬ ਹੈ ਯੂਜ਼ ਐਂਡ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਂਟੈਂਸ ਜੋ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਵੋਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਉਹ ਇਜ਼ ਨਾਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼, ਐਮ ਜਾਂ ਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਂਟੈਂਸ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਲੱਗੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸੇਗਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ। ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਓਬਜੈਕਟ ਹੈ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਪਲੂਰਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਲੂਰਲ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇਜ਼ ਜਾਂ ਐਮ ਨੂੰ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਆਰ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਰਾਈਟ ਵਰਡਸ ਓਬਜੈਕਟ ਆਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆਈ ਐਨ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀ ਈ ਲਗਾ ਕੇ ਬੀਇੰਗ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਰਡ ਦੀ ਥਰਡ ਫੋਰਮ, ਅਤੇ ਬਾਏ ਲਗਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਬਜੈਕਟ ਨੂੰ ਪਲੇਸ ਕਰਾਂਗੇ।
सेंटेंस की बनेगा वो देखते हैं। पैसिव वॉइस दे साडा सेंटेंस बनेगा आर द राइट वर्ड बीइंग यूज्ड बाय ही। उन्हें सेंटेंस ये देखो, क्योंकि द राइट वर्ड्स प्लूरल सी इस करके असी स्टार्टिंग विच आर यूज किया। उस तो बाद आई एन जी नू एडजस्ट करने वास्ते बीइंग यूज कर लिया। बीइंग तो बाद क्योंकि साडी वर्ब दी फॉर्म फ्री हो गई सी, यूज तो असी उसकी थर्ड फॉर्म यूज लिख लिया। बाय लगाने तो बाद साडा सब्जेक्ट प्लेस किया गया ऑब्जेक्ट वाली थान पर, जो कि सी ही तो असी कन्वर्ट करके लिख लिया हिम। तो साडा सेंटेंस बन गया आर द राइट वर्ड्स बीइंग यूज बाय हिम। एक और एग्जाम्पल लें एक्टिव वॉइस के, थर्ड एग्जाम्पल है साड़ी आर द बॉयज लाफिंग एट द ओल्ड मैन। हूँ इस सेंटेंस के जो साडा सब्जेक्ट है वो है द बॉयज, वर्ब लाफ एट एंड ऑब्जेक्ट है द ओल्ड मैन। हूँ एक्टिव वॉइस का सेंटेंस आर दे नाल स्टार्ट होया है, तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस इज एम या आर दे विचों किसी एक नाल स्टार्ट होएगा। किस दे नाल स्टार्ट होएगा ये सानू दसेगा साडा ऑब्जेक्ट, जिहड़ा कि सब्जेक्ट वाली थान ते सी लिखना है। तो ऑब्जेक्ट है साडा द ओल्ड मैन। हूँ ओल्ड मैन सिंगुलर है, सिंगुलर दे नाल असी की यूज करेंगे इज, तो साडा सेंटेंस शुरू होएगा इस दे नाल। उस तो बाद असी ऑब्जेक्ट नू प्लेस करेंगे द ओल्ड मैन, वर्ब दी फॉर्म लाफ एट, पर साडे कोल जो है जीरेंड लाफिंग एट है, तो आई एन जी नू लाफ तो वक्रा करेंगे। उस तो वक्रा करन तो बाद इसनू असी यूज करेंगे बींग, बींग लगान तो बाद साडे कोल बचेगा लाफ एट, उस दी थर्ड फॉर्म लाफ डैट, अते लास्ट दे विच साडा जो सब्जेक्ट है द बॉयज उसनू प्लेस किया जाऊगा। तो सेंटेंस देखते हैं किस तरह बनेगा। पैसिव वॉइस दे विच साडा सेंटेंस बनेगा इज द ओल्ड मैन बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉयज। इस सेंटेंस नू ध्यान नाल देखो, द ओल्ड मैन जिहड़ा ऑब्जेक्ट सी वह सिंगुलर सी, इसलिए असी इस दी स्टार्टिंग इज तो कीती, तो यह बन गया इज द ओल्ड मैन। अगे आई एन जी की थान पर असी बींग यूज कर लिया। उस तो बाद वर्ब दी थर्ड फॉर्म लाफ्ड एट, बाय लगा के साडा सब्जेक्ट प्लेस किया गया द बॉय, तो सेंटेंस बन गया इज द ओल्ड मैन बीइंग लाफ्ड एट बाय द बॉय। ये सन प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस दी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दी कुछ एक एग्जाम्पल्स। आई होप कि तुहानू काफ़ी कुछ समझ आ गया होएगा। तो कुछ एग्जाम्पल्स होर लैने हैं। सब तो पहला सेंटेंस आई एम बाइंग अ बुक, जो इस पैसे विच कन्वर्ट करेंगे तो साडा सेंटेंस बन जाएगा अ बुक इज बीइंग बॉट बाय मी। नेक्स्ट सेंटेंस वी आर सेलिंग मैंगोज, पैसे फॉर्म यदि बनेगी मैंगोज आर बीइंग सोल्ड बाय अस। नेक्स्ट द टीचर इज एडवाइजिंग द बॉयज, पैसिव फॉर्म यदि बनेगी द बॉयज आर बीइंग एडवाइज्ड बाय द टीचर। नेक्स्ट द हंटर इज नॉट किलिंग द बर्ड्स, ये पैसिव बनेगा द बर्ड्स आर नॉट बीइंग किल्ड बाय द हंटर। नेक्स्ट है ही इज हेल्पिंग मी, पैसिव है आई एम बीइंग हेल्प्ड बाय हिम। नेक्स्ट ही इज नॉट अब्यूजिंग मी, पैसिव फॉर्म आई एम नॉट बीइंग अब्यूज्ड बाय हिम। नेक्स्ट है आर यू नॉट मेकिंग मिस्टेक्स,
यदि पैसिव फॉर्म है. आर मिस्टेक्स नॉट बीइंग मेड बाय यू. नेक्स्ट इज द चाइल्ड मेकिंग अ नॉइज. पैसिव फॉर्म बनेगी इज अ नॉइज बीइंग मेड बाय द चाइल्ड. इस एंड प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस दे अफर्मेटिव नेगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस दिया कुछ एग्जांपल्स. सो दैट्स ऑल फॉर द मोमेंट. कीप वॉचिंग कीप लर्निंग वेट फॉर माई नेक्स्ट सेशन. टिल देन हैव अ नाइस टाइम. थैंक यू ऑल. थैंक यू वेरी मच.